आए हुए हमारे डी डी एम नवाज सर और बाकी जितने भी लोग स्पेसिफिकली सबको मेरी तरफ से जोहार और काफी खुशी का बात है कि ESL लिमिटेड द्वारा शुरू की गई वाद परियोजना के आदिवासी किसानों के लिए FPO किसान उत्पादक संगठन बनाने के लाभों पर मेगा जागरूकता अभियान शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वदेशी दिवस के अवसर पर सामूहिक कार्रवाई के लाभों पर जोर देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ESL स्टील लिमिटेड ने ग्रामीण सेवा संघ के साथ साझेदारी में NABARD के सहयोग से वादी परियोजना शुरू की ताकि आदिवासी किसानों को सतत कृषि को लागू करने में मदद मिल सके। ESL स्टील लिमिटेड की परियोजना वादी का लक्ष्य 400 चंदन क्यारी ब्लॉक में 8 गांवों में 500 से अधिक आदिवासी किसान परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। सबको मेरी तरफ से जोहार और काफ़ी खुशी का बात है कि आज जो है विश्व आदिवासी दिवस है और इसको मनाया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में मंडल बहुत अच्छे हैं। अब रहा ये बात, पिछले साल जो मैं आया था यहाँ पर, आदिवासी दिवस मनता आ रहा है, मनाया जा रहा है और मनाया जाना भी चाहिए क्योंकि ये जो संस्कृति है ये विलुप्त ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए। इसको हमारा जो संस्कृति और सभ्यता है भारत देश का, उसको बनाए रखना है। जिस तरह बाकी जातियाँ भी अपना दुर्गा पूजा मनाती हैं, दिवाली मनाता है, गणेश चतुर्थी गणेश पूजा होता है मुंबई में, तो क्यों नहीं हमारे झारखंड में और बाकी जो जगह जहाँ पर आदिवासी प्रधान क्षेत्र है वहाँ पर आदिवासी दिवस मनाना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे अच्छा लगता है कि आप लोग का जो संस्कृति है वो इतना दिल को छू जाता है, आप लोग का जो व्यवहार है वो इतना अच्छा लगता है कि उसका कोई मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बस इतना ही बोलूँगा कि ये सौभाग्य का बात है कि आज मुझे ये मौका मिला आप लोग के बीच में आने का और आप लोग के साथ उस समय बिताने का। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आदिवासी दिवस मना रहे हैं, सबों को बधाई और सबों को खानदान के ही। तो हम सबों को, मेरे ओर से आप सबों को आज हमारी पे विश्व पर आदिवासी दिवस मना रहे हैं, सबों को बधाई और सबों को। आए हुए हमारे डी डी एम नवाज सर और बाकी जितने भी लोग स्पेसिफिकली सबको मेरी तरफ से जोहार और काफ़ी खुशी का बात है कि आज जो है विश्व आदिवासी दिवस है।